सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट टू ऑफ चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. सो वाटर पोल्यूशन, वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम आर गेटिंग डर्टी ड्यू टू वेरियस अनवांटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो वाटर होता है जहाँ रिवर्स का, लेक्स, झील का, स्ट्रीम्स का, ये सभी डर्टी किसकी वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. लाइक आप लोग मान लो क्या करते हैं, नदी तालाबों में जाकर कपड़े धोना, एनिमल्स को नहलाना, ठीक है, एंड जो अनवांटेड जो गार्बेज होता है और जो कचरा गार्बेज एंड जितने भी जो सारी चीज़ें होते हैं, क्या करते हैं वो रिवर्स में या तालाबों, पॉन्ड वगैरह में, झीलों में क्या करते हैं, ये फ्लो कर देते हैं. तो इनकी वजह से ये मेन कारण क्या होता है वाटर पोल्यूशन का? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब इंसानों की वजह से जो कचरा पानी में जाता है उनकी वजह से मोस्टली क्या होता है, हमारा वाटर क्या होता है, पोल्यूटेड होता है. वेस्टेज, गार्बेज एंड पॉइजनस आउटफ्लोज केमिकल्स एट्सेट्रा फ्रॉम फैक्ट्रीज, मील्स एंड इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड रबिश एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रेचर आर थ्रोन इन टू रिवर्स एंड स्ट्रीम. दिस कॉजेस वाटर पोल्यूशन. क्या होता है, जो फैक्ट्री से, मिल से, ठीक है, मिल से और जो इंडस्ट्री से और घर से, ठीक है, जो घर का जो हाउस होल्ड जो कचरा होता है, ठीक है, लाइक जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, जो पॉइजनस मतलब जो क्या फैक्ट्री से निकलने वाला जो जहरीला पानी होता है, केमिकल्स होता है, एंड जो ह्यूमन और जो एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, रिवर्स में, नदियों में, स्ट्रीम्स में क्या किया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है. दिस कॉजेज वाटर पोल्यूशन. एंड इसी के वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. वाटर पोल्यूटेड बाई सीवेज एंड गार्बेज स्प्रेड मैनी डिसीज लाइक क्लोरिया, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री. जो मतलब इस जो वाटर को वाटर पोल्यूशन मतलब जो सीवेज और गार्बेज, ओके, जो सीवेज एंड गार्बेज की वजह से हमारा जब वाटर पोल्यूटेड होता है, पानी जब गंदा होता है, कचरे और जब सीवेज का पानी जब वाटर में जाता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, डिसीज होती है, जैसे जॉन्डिस, डायसेंट्री, ठीक है, कॉलेरा, जॉन्डिस एंड डायसेंट्री. पोल्यूटेड वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज ऑफ एक्वाटिक लाइफ एंड एनिमल लाइफ. जो रिवर्स एंड जो लेक्स का वाटर पोल्यूटेड होता है, पानी पोल्यूटेड होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं एंड जो एनिमल लाइफ है, उन पर क्या होता है, ये क्या होता है, इनकी वजह से जो वाटर का पोल्यूशन है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब उनका लाइफ क्या होता है, डैमेज होता है. लाइक अगर हम पानी पर कुछ भी वेस्ट मटेरियल डालते हैं, तो जो एक्वेटिक लाइफ है मतलब पानी में रहने वाले जो एनिमल हैं एंड जो अदर एनिमल्स हैं जो पानी को पीते हैं, तो वो क्या होता है, उनके लाइफ क्या होती है, डैमेज हो जाती है, मीन्स उनको भी बहुत सारी डिसीज हो जाती है, वो मर जाते हैं. देन हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन इज़ द पोल्यूशन ऑफ द अर्थ सरफेस बाय इंडस्ट्री. लैंड पोल्यूशन क्या होता है, वो पोल्यूशन होता है जो अर्थ के सरफेस में होता है, मतलब जो ज़मीन पर होता है, पृथ्वी, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस में होता है, जो किसकी वजह से होता है, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूशन होता है लैंड पर, लैंड पोल्यूशन होता है. सम ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ लैंड पोल्यूशन आर केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स. जो कुछ मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं मतलब लैंड को पोल्यूशन करने के जो मेन कारण हैं, वो केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, ऑयल रेफिनरीज, ह्यूमन सीवेज एंड अदर वेस्टेज, ऑयल लीकेज फ्रॉम कार्स, माइनिंग, लिटरिंग एट्सेट्रा. इन सभी की वजह से भी क्या होता है, लैंड पोल्यूटेड होता है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ साउंड. नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, जो साउंड जब किसी भी साउंड का हाई वॉल्यूम होता है एंड जो वॉल्यूम जो हमारे कानों को या हमको सहन नहीं होती है, हमको वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करता है. लाइक हम अगर म्यूज़िक सुनते हैं, हमको म्यूज़िक सही लगता है, लेकिन जैसे अगर साउंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें क्या होता है, उससे परेशानी होने लगती है. सो जब हमें कोई भी चीज़ हार्म करती है, लाइक जैसे साउंड, अगर ज़्यादा हम साउंड सुनते हैं, तो वो हमको एक टाइम के बाद हार्म पहुँचाने लगती है हमारी कानों को. सो इसी वजह से क्या होता है, वो क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है. लाउड नॉइज़ इमर्ज
ठीक है, जो लाउड नॉइज इमेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो बहुत ज़्यादा वॉइस होता है, आवाज़ होती है, ट्रेन, जो ट्रेन का हॉर्न बजता है, कार से, एरोप्लेन से, टीवी, रेडियो एंड लाउड स्पीकर से, ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्या करती है, आवाज़ें क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज इरीटेशन, एंड नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इरीटेशन होता है, डीफनेस होता है, मतलब डीफनेस मतलब बहरापन हो जाता है, एंड हाइपरटेंशन होता है. देन हम पढ़ेंगे इन सभी सॉल्यूशन के प्रोटेक्शन के बारे में. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, व्हिच कैन बी ग्रेट हेल्थ हैजार्ड इन इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली. द बेस्ट वे टू सेव अवर एनवायरनमेंट टू इट्स फॉलो फॉर द 3 आर्स स्ट्रेटेजी. सो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर हम इसे सही तरीके से अगर इसको डिस्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है. सो हम एनवायरनमेंट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये 3 आर का. 3 आर मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ये 3 आर जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उनको हम अगर फॉलो करेंगे तो हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन से मतलब उनमें कमी ला सकते हैं. सो फर्स्ट इज रिड्यूस. वन ऑफ द वेज यू कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टू द रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यू यूज, ठीक है. सबसे पहले आपका फर्स्ट ऑफ वे है हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जब हम जो भी रिसोर्स का यूज़ करते हैं उसको कम करें, मतलब उसका जो हम यूज़ करें उनको रिड्यूस करें, ठीक है, रिड्यूस करें. कोई भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए. ऑफ यूज़ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन टू यूज़ ऑफ लेस ऑफ देम. सो जो हम जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं अगर हम उनका यूज़ कम करेंगे, मतलब उसका जो यूज़ अगर कम करेंगे तो क्या होगा, जो मतलब जितने भी वेस्ट चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी वो कम हो जाएंगी. लाइक अगर एक पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो हम एक या दो का यूज़ करें. अगर हम जब भी हमको यूज़ करना है तो हमको अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो हम फिर से पॉलीथीन निकाल रहे हैं, फिर से वाटर बॉटल यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक के, तो ये क्या कहते हैं, हम जितना भी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. सो सबसे पहले आपको जो भी आप रिसोर्स का यूज़ करें तो आप ये कोशिश करें कि उनका कम यूज़ करें. देन रिड्यूस, देन सेकेंड है reuse. Reusing help reduce the amount of resources that would be needed to make new things. When you reuse a resource, you use it again and again. So क्या बोल रहे हैं, reuse में क्या होता है, हमको reuse करने से किसी भी जो भी resource होते हैं तो उनका जो amount होता है उसको कम करने में क्या मिलता है, help होता है. जिन्हें नई चीज़ें बनाने के लिए कोई भी चीज़ ज़रूरी होगा, जब आप किसी भी रिसोर्स का अगर आप रीयूज़ करते हैं तो आप उसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको न्यू चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आप अगर कोई भी रिसोर्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसका ही यूज़ करें, ना कि नई चीज़ें ले एंड फिर से क्या करें, पोल्यूशन करने में वो और बढ़ेगा. सो आपको क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए. देन थर्ड इज़ रिसाइकल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है एनवायरनमेंट को सेफ रखने का. रिसाइकलिंग मेक्स टू मेक न्यू थिंग फ्रॉम ओल्ड वंस. रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ें से ओल्ड वंस से न्यू चीज़ें बनाना. यू मस्ट हैव सीन रैक पिकर्स ऑफ कबाड़ी वाला सेपरेटिंग आर्टिकल्स इन टू वेरियस कैटेगरीज एंड सेलिंग देम टू द डीलर्स फ्रॉम रिसाइकलिंग. आपने देखा होगा जो कबाड़ी वालास और जो रिक पैकर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सभी टाइप्स के आर्टिकल्स को क्या करते हैं, सभी टाइप्स के जो चीज़ें होती है जब हम बेचते हैं तो उनको अलग करते हैं, जैसे लोहा वाली चीज़ें अलग, कॉपी पेपर वाली चीज़ें अलग, और ये क्या करते हैं, जाके अपने डीलर्स को बेच देते हैं. किसके लिए, रिसाइकलिंग के लिए. पेपर कैन बी रिसाइकल एंड यूज अगेन. पेपर को रिसाइकल करके फिर से उसका यूज़ कर लिया जाता है. एंड जो कांस मेड ऑफ स्टील कैन, जो कैंस बनते हैं जो हम कोक वगैरह पीते हैं, ठीक है, वो स्टील और एल्यूमिनियम के बनते हैं, उनको भी क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है. सो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये 3 आर्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, रिड्यूस करें. कोई भी चीज़ को क्या करना चाहिए, कम क्वान्टिटी में आप यूज़ करें, मतलब आप कोशिश करें कि उसका कम से कम यूज़ करें. देन रीयूज़, रीयूज़ का मतलब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप
उसका यूज़ अगेन एंड अगेन करें, मतलब बार बार नई चीज़ें यूज़ ना करें, एक बार यूज़ करने के बाद आप कोशिश करें कि वही चीज़ों को आप आगे भी यूज़ कर सकें। देन थर्ड है रिसाइकल। रिसाइकल में आपको कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही वेस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं देन उसका क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करके फिर से वो चीज़ को यूज़ करने लायक बनाकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाकर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।